द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीडीओ 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म जो है वो आपका 23 मई से भरा जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही बता दिया गया था कि आपका बीडीओ 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन उसमें बताया गया था कि टोटल 2500 पदों के लिए आपका विज्ञापन आएगा। जैसा कि माना जा रहा था कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लगभग 1500 पदों के लिए विज्ञापन आएगा और इसमें जो आपके बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी हैं उसके लगभग 1000 पद खाली हैं, तो कुल मिला के लगभग 2500 पदों के लिए विज्ञापन आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका विज्ञापन आया है वह सिर्फ आपका ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आया है, तो यानी कि अभी भी एक मौका है बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो विज्ञापन है वो 2 से 3 महीने के अंदर आपका आ सकता है, जिसमें लगभग 1000 पद रहने वाले हैं। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आप इस परीक्षा की तैयारी करिए और फिर इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी का भी फॉर्म 3-4 महीने के अंदर आ जाएगा, जिसमें लगभग 1000 पद खाली हैं। तो यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वीडियो 2023 में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या आरक्षण है, आयु सीमा क्या है, परीक्षा कैसे होगी, हमारा सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हम लोग इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो विज्ञापन आया है वो ग्राम पंचायत अधिकारी का है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी से भी बेहतरीन जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। इसका विज्ञापन आया है, इसमें टोटल कितने पद खाली है, इसमें टोटल 1468 पदों के लिए आपका विज्ञापन आया है। फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, 23 मई से होगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 जून है। अगर आपके फॉर्म में थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं तो 19 जून तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। जो विभाग है उस विभाग का क्या नाम है, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है, जिसकी परीक्षा कौन कराएगा, यूपी SSSC आयोग के द्वारा इसका पेपर कराया जाएगा। इसमें अर्हता क्या होनी चाहिए, तो फॉर्म भरने की जो योग्यता है वो सबसे बड़ी योग्यता यही है कि आपने पैट 2022 का जो पेपर दिया है वो आपके पेपर दिया हो। अगर आपके जीरो नंबर है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर आपका 1 नंबर भी है या 2 नंबर है या 3 नंबर है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी ये आपको आगे बताएंगे कि कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं यानी कि SC ST OBC कैटेगरी के आते हैं अथवा EWS कैटेगरी के आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो सभी प्रमाण पत्र हैं यानी जाति प्रमाण पत्र हैं वो 12 जून के पहले के होने चाहिए। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाके तुरंत अप्लाई कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। 12 जून के पहले के सभी आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है। ये क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या बातें हैं। जो फॉर्म भरने की फीस रखी गई है वो मात्र ₹25 रखी गई है। अभी जो आप फॉर्म भरेंगे वो मात्र ₹25 की फीस के साथ भरेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले कुछ अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो मुख्य परीक्षा की जो फीस होगी वो बाद में भरी जाएगी। वो कौन भरेगा, जितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे वो भरेंगे। कहने का सीधा मतलब है कि पैट की जो परीक्षा है वो लाखों अभ्यर्थियों ने दिया है, तो ये फॉर्म कितने लाखों लोग भरेंगे, कितने रुपए में, ₹25 में लाखों लोग ये फॉर्म भरेंगे। लेकिन सबको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा, अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो उसमें से जितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ही मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करना होगा और मुख्य परीक्षा का शुल्क आपका लगभग 150 या ₹200 लगभग रहता है, ठीक है। चलिए आरक्षण की बात कर लेते हैं कि हमारे 1468 पदों में किस श्रेणी में कितनी सीटें हैं। तो जनरल के लिए यहाँ पर जो सीटें हैं यानी कि जो 50% होता है जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग, वो 849 सीटें हैं। SC कैटेगरी के लिए 356 सीटें हैं। ST कैटेगरी के लिए 7 सीटें हैं। OBC कैटेगरी के लिए 139 सीटें हैं और EWS कैटेगरी के लिए 117 सीटें हैं। OBC कैटेगरी वालों का यहां पर घाटा होने वाला है, इनके जो सीटों की संख्या है बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। इसके अलावा ये तो सीधा सीधा आरक्षण हो गया, इसके बाद कुछ क्षैतिज आरक्षण भी आपको मिलते हैं। क्षैतिज आरक्षण का मतलब जो ये ऊपर कैटेगरी लिखी गई है इन्हीं में से आपको आरक्षण दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्षैतिज आरक्षण कहते हैं।
जिसमें से अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। यदि यदि आप महिलाएं हैं तो आपके लिए 270 सीटें आरक्षित हैं। ये अलग से नहीं है, जो ऊपर वाली कैटेगरी लिखी गई है उन्हीं में से आरक्षण दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, यानी कि आप प्रदेश स्तर पे या केंद्रीय स्तर पर खिलाड़ी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास 2 सीटें आरक्षित हैं। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो भी आपके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित हैं दृष्टि बाधित के लिए। यदि आपको देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपके लिए 28 सीटें आरक्षित हैं। और बधिर, यानी कि आपको सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने की योग्यता सबसे पहले आपको बता दिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए। ये वाली योग्यता जो आपको बताया है कि भैया आपके पास CCC पैट 2022 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर, तो पैट 2022 आप क्वालिफाई रहेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए इतनी बड़ी नौकरी की जो योग्यता है वो सिर्फ कक्षा 12 है। कक्षा 12 आप पास होना चाहिए, कितने परसेंट है इससे कोई मतलब नहीं, कक्षा 12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का CCC नहीं होता है और CCC वो लोग करते हैं तो इधर उधर किसी इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं। तो भैया जो CCC माना जाएगा वो नीलिट का ही CCC माना जाएगा। नीलिट का CCC लगभग 400-500 रुपया फीस लगती है। अब अभी वर्तमान समय में कितनी फीस है हमें नहीं पता है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले जब हमने इसको किया था तो लगभग 400 फीस हुआ करती थी। इसको भर दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म आता है और ऑनलाइन पेपर होता है, जाके दे दीजिए, आराम से पास हो जाते हैं। तो CCC होना चाहिए नीलेट का। तो नीलेट का अगर CCC नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भर देंगे, पेपर में क्वालिफाई भी कर लेंगे तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो भैया सीधा सीधा इस परीक्षा में लिखा है कि CCC आपके पास होना चाहिए। कुछ लोग डिप्लोमा लाते हैं, डिग्री लाते हैं, कुछ नहीं माना जाएगा अगर आपके पास CCC नहीं है। और किसका CCC, नीलेट का। नीलेट का CCC नहीं है तो आप इस फॉर्म के योग्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयु क्या है, तो आयु भैया 18 साल से 40 साल है। 18 साल से 40 साल के व्यक्ति जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि SC और ST जो कैटेगरी होती है उनको 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि SC ST कैटेगरी 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और जो OBC कैटेगरी होती है उन्हें 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि वो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कितनी छूट मिलती है ये भी हमें पता होना चाहिए। इतनी सारी बातें हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बार बार वो पूछती रहती हैं कि हम अगर जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो अपने पति का बनवाएं या अपने पिता का बनवाएं। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अयोध्या के मूल निवासी हैं, जैसे कि हमारा जो गृह जनपद है वो अयोध्या है, अयोध्या के मूल निवासी हैं, आपकी शादी अंबेडकर नगर में हो गई। अब आप अंबेडकर नगर चली गई, आपके पति अंबेडकर नगर में रहते हैं, लेकिन अगर आपको ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भरना है तो आप पहले कहाँ के निवासी थी, अयोध्या के। आपके पिता कहाँ रहते हैं, अयोध्या में। तो जहां आपका घर है उसी का आपका जाति प्रमाण पत्र, उसी एड्रेस का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके जाति प्रमाण पत्र पर आपके पिता का नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये इसके सीधे सीधा कहने का मतलब है। अब यहाँ चर्चा करते हैं कितने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कितनी सीटें हैं, 1468, इसको मोटा मोटा हम मान लेते हैं 1500, 1500 हमारे पास सीटें हैं। तो इसका 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, श्रेणीवार बुलाया जाएगा, यानी कि OBC के, SC के, ST के और जनरल कैटेगरी के 15 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अगर हम इसका 1500 का 15 गुना करें तो कितना आता है, दो 15 का 15 गुणा करेंगे 225 आएगा, 2 0 यहां रख दीजिए तो लगभग 2200 आता है। तो मोटा मोटा इसको मान लेते हैं 25,000। तो लगभग 25,000 स्टूडेंट को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो इसको 25,000 ना मान के हम लोग 30,000 40,000 भी मान सकते हैं, इतने अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कितने परसेंटाइल आपके होने चाहिए पैट 2022 में, जिससे आप इस परीक्षा के योग्य, यानी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं,
परीक्षा योजना पर। तो भैया जो आपकी परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करना होगा। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करना है। आपके इस पेपर में जो गणित विषय है, गणित सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, हमारा विषय भी गणित है, यानी कि हम गणित ही पढ़ाते हैं, लेकिन इस पेपर में आपका गणित नहीं आएगा। कौन कौन से आएंगे? हिंदी आपकी 50 नंबर की आएगी, ठीक है। जीएस जीके यानी कि जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होता है, वो आपका 50 नंबर का आएगा, और रीजनिंग आपका 50 नंबर का आएगा। टोटल 150 नंबरों का पेपर होगा, एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा, यानी कि 150 नंबरों का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें सबसे खतरनाक बात होती है निगेटिव मार्किंग, जो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/2 की होती है, बहुत ही खतरनाक निगेटिव मार्किंग होती है, 1/2 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो इस परीक्षा को अगर पास करना है तो ऐसा कोई प्रश्न मिले जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो उसको आपको टच ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग जो होगी बहुत ही खतरनाक होगी। और अगर आपका पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाले जाएंगे, ठीक है, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होता है। तो ये भैया वीडियो 2023 के लिए संपूर्ण जानकारी थी, उम्मीद है सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया गया है, अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको पूछ सकते हैं। तो पेपर कैसा होगा सारी डिटेल आपको बता दी गई है, और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।